अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मन यनफ़उना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़नी इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख़्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहर बिमा यनफ़उन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह व तस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजा व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व हुवल्लज़ी जअल अल्लैल वन्नहार ख़िलफ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर व अराद शकुरा। गिरामी क़दर भाइयों और लायक एहतराम साथियों, मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि हम खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ो समा के ऊपर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम अल्लाह ज़ुल जलाल की रबूबियत को, उलूहियत को, नामों और सिफ़तों को तस्लीम करते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और अल्लाह की इस नेमत पे जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। और ख़ुसूसन आप लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने वो ख़ालिस पैगाम नसीब किया है जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही की सूरत में लेके आए और बग़ैर किसी मिलावट के आप उस वही के नूर से अपने ज़हनों को मुनव्वर किए हुए हैं और अपने दिलों को रोशन किए हुए हैं। आज दुनिया में इस्लाम के दावेदार और अल्लाह को मानने वाले तो बहुत ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे, लेकिन कम वो खुश नसीब हैं जो इस साफ़ चश्मे से पानी पी रहे हैं और वही इलाही को बग़ैर किसी मिलावट के जो है ना वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और वो आप ही खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला हमें मौत तक इस वही के ऊपर मुतमस्सिक रहने की तौफीक नसीब फरमाए। एक मोमिन आदमी इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए हर वक्त वो अपने मालिक और खालिक, पैदा करने वाले, बनाने वाले, क्रिएट करने वाले रब परवरदिगार के बारे में तफक्कुर और गौर और फिक्र करता रहता है। अल्लाह ताला अपनी किताब में इस बात की 20वें मकाम पे दावत भी देते अपने बंदों को। किताब मेरे और आपके लिए उतरी है, कुरान हमारे लिए उतरा है, और मालिकुल मुल्क अपने मोमिन बंदों की, मुत्तकी बंदों की, ईमान रखने वालों के औसाफ और खूबियों में से एक खूबी ये भी जिक्र करते हैं कि वो अल्लाह ताला की इन मखलूक़ात पे जो अक़ल को बाहर करने वाली है और अक़ल को हैरान करने वाली है और इंसान को सोचने पे मजबूर करती है, मोमिन लोगों और मुत्तकी लोगों की को दावत देते हैं कि वो इन बातों पे गौर करते रहें। ये दो आँखें हैं ना, अल्लाह ने दो बल्ब दिए हैं ना। बड़ा अच्छा किसी ने एक मैसेज भेजा आज, कहते हैं ये दो आँखें हैं ना, आज मुझे इनकी कदर नहीं है, लेकिन जिस दिन ये बंद हो जाएगी ना, ये नूर इनका ख़त्म हो जाएगा ना, और ये लाइट जो आप आसमान तक इसको देखते और इस्तेमाल करते हैं, जब ये बुझ जाएगी फिर एहसास होगा कि मेरे लिए तो सब कुछ अंधेरे में बदल गया है। जब ये तारीकी में तब्दील होगी ना, फिर इसका एहसास होगा आज इसकी कदर नहीं। मुझे इस आँख को इस्तेमाल करके इस इतने बड़े आसमान पे, इतनी बड़ी ज़मीन पे, इतने बड़े सूरज, इतना बड़ा चांद, अल्लाह की कुदरत की ये निशानी है, ये समंदर और समंदर की मखलूक़ात और अल्लाह ताला की अता करदा ये नेमतें, आज इन पे गौर करने को तैयार नहीं हो। आज इन दो आँखों को अल्लाह के उतारे हुए पैगाम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, आज इनको इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। मैं अपने ज़ाती काम पे, ज़ाती मफाद, दुनियावी मफाद के लिए इन दो आँखों को इजार पे देता हूँ। 8 घंटे के इजार पे, 12 घंटे के इजार पे देता हूँ ना जी। आँख भी, हाथ भी, पाँव भी मजदूरी वसूल कर लेता हूँ मैं उसकी। शाम को इन आँखों को अगर आँखें ना हो क्या करेंगे आप जी? ड्राइविंग करेंगे आप, गाड़ी चलाएंगे आप, लिख पढ़ करेंगे आप, देंगे और लेंगे आप, सेलमैनी कर सकते हैं आप, मजदूरी कर सकते हैं आप, ईंटें लगा सकते हैं आप। सिर्फ एक नेमत अल्लाह अगर छीन ले, मेरे हाथ भी बेकार, मेरे कान भी बेकार, मेरे पाँव भी बेकार, बैठ जाऊंगा घर में बस लाठी पकड़ के। हत्ता कि अल्लाह की बंदगी के लिए भी मुझे फिर सारा ढूंढना पड़ेगा, किसी का हाथ पकड़ना और किसी लाठी के सारे मुझको ढूंढ के रास्ता जाना पड़ेगा। लेकिन आज मुझे इसकी कदर नहीं है। अल्लाह ताला जो तब्दीलियां पैदा करता है, मैं अपनी आंखों के साथ देखता हूं लेकिन उन पर तदब्बुर नहीं करता, गौर नहीं करता। और अल्लाह मुझे दावत देते हैं, रब अपने बंदे को इस बात पे उभारते हैं। अल्लाह फरमाते सूरत बकरा में, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, दिन और रात के आने जाने में, दिन और रात की तब्दीली में, अंधेरा और उसके बाद रोशनी, रोशनी और उसके बाद अंधेरा, सर्दी और उसके बाद गर्मी, गर्मी और उसके बाद सर्दी। अभी आप एक ही लम्हे में सर्दी के अंदर गर्मी बड़ी मज़ेदार लगती है, और आप गर्मी ढूंढते हैं, हीटर ढूंढते हैं, कंबल ढूंढते हैं, गर्म कपड़े ढूंढते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि वो कितना मेहरबान है कि जिसने अगर सख्त सर्दी पैदा की है तो सर्दी से बचाव के लिए गर्मी के असबाब भी उसी ने मुहैया किए हैं। हम सुबह शाम ये नेमतें इस्तेमाल करते ही नहीं करते। जब गर्मी लगती है तो इसी कोट को हम उतार देते हैं, जब सर्दी लगती है तो बेड ढूंढते हैं कोट किथे भाई। लेकिन किन मराहिल से गुजार के ये कपड़ा मैंने जेब तन किया है, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से उगा है, पानी किसने उतारा है, वो कौन है जो मालिकुल मुल्क इस दाने को अंगूरी में बदलने वाला है, उसको फिर तने और फल और फूल की शक्ल देने वाला है, और फिर किन मराहिल से गुजर के आज ये मेरे कमर पे और मेरे सीने पे ये कपड़ा चढ़ा हुआ है। कभी हम गौर नहीं करते, हकीकत बात है हम गौर नहीं करते। गर्म टोपी इस्तेमाल करते हैं, सर को गर्म रखते हैं, कानों को गर्म रखते हैं, मफलर इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर इस्तेमाल करते हैं, जुराबे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पैदा करने वाला कौन है? वो मेरा रब है। इन नफी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार वल फुल्क लती तजरी फ़िल बहर, और वो कश्ती जो समंदर में फासले तय करती है और समंदर में चलती है, पानी के सीने पर सफर करती है। अल्लाहु अकबर। बिमा यनफ़उ नास, जो लोगों को नफ़ा देते हुए, वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाए मिन मा, और अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा है। वो पानी अगर मालिकुल मुल्क रोक ले तो मेरी सारी की सारी जो तरक्की है वो मौकूफ़ हो जाएगी, मेरे चलते काम रुक जाएंगे। बारिशें अगर बंद हो जाएं तो आप देख लें, फिर अल्लाह से मांग मांग के पानी देख आप निकलते हैं, मैदान में आते हैं, फिर एहसास होता है। लेकिन अगर आदमी पहले ही गौर करता रहे, शुरू ही में शुक्रिया अदा करता रहे, पहले ही तदब्बर करता रहे, और उसी से इल्तिजा करता रहे, उसी के सामने रोता और गिड़गिड़ाता रहे, और इस्तिगफार करता रहे, हर वक्त बख्शिश मांगते रहे, अल्लाह तो मुझको माफ़ कर देना, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देना, तो फिर मालिकुल मुल्क अपनी नेमतों को भी मुसलसल अता करते रहते हैं। लेकिन मुझे जब झटका लगता है, जब शॉक लगता है, जब तकलीफ़ आती है, जब परेशानी आती है, फिर मुझे एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने बारिश रोकी हुई है, अब नमाज इस्तिस्का है, अब बारिश की दुआ है, अब फिर बारिश के लिए बाहर निकलता है, अब अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह से इल्तिजा करता है, अल्लाह बारिश दे दे। तो और जो आसमान से अल्लाह ने पानी उतारा है फ़ाहिया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा, और फिर इस ज़मीन को उस पानी के ज़रिए ज़िंदगी बख्शी है। मुर्दा हो चुकी थी, बंजर हो चुकी थी, बेबान हो चुकी थी, लेकिन पानी बरसता गया है और फिर सरसब्ज़ शादाब फल बूटिये पत्ते दरख्त सारा कुछ आप इसके सीने पे देखते हैं। पानी इस ज़मीन को ज़िंदगी अता करता है। वबस सफ़ीहा मिन कुल्ले दाब्बतिन, हर किस्म के जानदार को भी मालिकुल मुल्क ने इसमें फैलाया है। व तसरीफ़ रियाह, और हवाओं का फिरना और चलना। व सहाबिल मुसख्खर बैन समाए वल अर्द, और आसमान और ज़मीन के दरमियान ये चलता बादल हम देखते हैं कि नहीं देखते? हम डेली देखते हैं, हम रोज़ाना देखते हैं, उससे खैर की उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन कभी उस चलाने वाले के बारे में हमने कभी सोचा नहीं है कि वो कितना मेहरबान अल्लाह है, जिसने कहाँ से पानी को चलाया और कहाँ आके बरसाया। वो कैसा मेहरबान अल्लाह है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बरसाता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ रोक लेता है। वो कैसा मेहरबान अल्लाह है, बादल उसके हुक्म के कितना ताबे, इतना बड़ा बादल उसके हुक्म के कितने ताबे है। वो कितना कमाल, उसकी ज़ात कितनी कमाल है, जिसने इतने पानी से भरे हुए बादल को बग़ैर किसी रुकावट के उठाया हुआ है। हवा लेके चलती है, हवा लेके चलती है। वस्साबिल मुसख्खर बैन अस्समाए वल अर्द लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, अलबत्ता निशानी है अक़ल रखने वाली कौम के लिए, जिसको अल्लाह ने शऊर बख्शा है, जिसको अल्लाह ने फ़हम अता किया है, जिसको अल्लाह ने फ़रासत बख्शी है, जिसके पास अक़ल की नेमत है, जो अक़ल की नेमत से मालामाल है, वह इन बातों को देख के, इन निशानियों को देख के अपने अल्लाह के बारे में तदब्बुर और अपने गौर करता है। यकीनन फिर उसके दिल में अपने रब की मोहब्बत आती है, अल्लाह का प्यार आता है, अल्लाह के करीब होता है, उसकी बंदगी में उसको लज्जत महसूस होती है, और उसके सामने झुक के उसको चैन नसीब होता है, जो अल्लाह ताला की इन रबूबियत के दलाइल को देखता और इसके ऊपर गौर करता है। दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाते इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, सूरत आल इमरान है 190 नंबर आयत है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी वसत के साथ, इतना बड़ा आसमान जो अपनी वसतों के बावजूद, लेकिन मैं उसके ऊपर कभी सोचूं नहीं कि कौन है बनाने वाला, कौन है इसको खड़ा करने वाला, कौन बगैर सुतूनों को इसको ठिकाने वाला, कितनी देर से खड़ा हुआ है, कितनी सदियाँ बीत गई इसके खड़े हुए, इसमें कोई शगाफ नहीं है। हमारी तो लोहे की बनी हुई चीज़ें भी जंग लग जाता है ना जी, उसकी एक महदूद मुद्दत है ना जी। वो लंटर जो आप डालते हैं वो भी कभी एक ख़ास मुद्दत के बाद उसमें झुकाव आ जाता है। ये मेरी आपकी छतें और बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन एक वो मालिकुल मुल्क की बनाई हुई छत है, जिसमें आपको अभी तक कोई शगाफ नज़र नहीं आया। सुब्हानल मालिकुल कुद्दूस, वो अल्लाह पाक है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, दिन और रात के आने जाने में, ये हर सुबह जो एक नया पैगाम लेके आती है, एक नया रंग लेके आती है, नया मौसम लेके आती है, एक नया माहौल लेके आती है, एक नई दुनिया दिखाती है। मैं डेली उस दुनिया को देखता हूँ। रात बीत जाने के बाद, अंधेरा छटने के बाद एक नए दिन का ज़हूर देखता हूँ, लेकिन कभी उस जाहिर करने वाले रब के बारे में गौर नहीं करता। वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अल्बाब, अलबत्ता निशानी है उन लोगों के लिए जो उलिल अलबाब हैं, साहिब लुब हैं, साहिब अकल हैं, जिनको अल्लाह ने अकल दानिश से नवाजा है। लुब अकल को कहते हैं, अलबाब अकल वालों के लिए, जिसको अल्लाह ने ये अकल बख्शी है, वो दायमन हमेशा बदस्तूर इन बातों में, अल्लाह की इन मखलूक़ात में तदब्बर और गौर करता है। कौन है वो अकल वाले? ज़रा अगली तारीफ भी उनकी सुन लीजिएगा। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, ये वो लोग हैं जो इन मखलूक़ात को देख के गौर करते हैं। वो साहिब दानिश कैसे हैं? अल्लाह उनकी फिर आगे तारीफ़ करता है। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े भी और बैठे भी। क़ियाम के अंदर भी अपने अल्लाह को याद करते हैं, बैठे भी अपने अल्लाह को याद करते हैं। वाला जुनूबिहिम, जब अपने पहलुओं के बल लेटते हैं तो फिर भी अल्लाह को याद करते हैं। गौर करने का ये फ़ायदा होता है, जो आदमी तदब्बर करता है ना इन मखलूक़ात पे, आसमान पे, ज़मीन पे, सूरज पे, चाँद पे, सूरज की गर्मी पे, सूरज की रोशनी पे, चाँद की रोशनी पे, सितारों पे, उनकी उनकी उनके दमकने और चमकने पे अल्लाह अकबर, और ये हवाओं के झोंके और ठंडी हवा और सुबह की हवा और ये मौसम और ये तब्दीली यकीनन फिर वो अल्लाह के जिक्र पे बंदे को मजबूर करती हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, फिर वो गौर करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और गौर करते हैं आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ए मेरे रब, ए हमारे रब, तूने इसको बातिल पैदा नहीं किया, बेकार पैदा नहीं किया, फजूल पैदा नहीं किया, बेसूद पैदा नहीं किया, बेफायदा पैदा नहीं किया। ये मुझे और आपको अपने रब की बंदगी के ऊपर बाकी रखने की बेहतरीन स्पॉट है। अगर मैं इनको देख के इनके ऊपर गौर करता रहूं तो यही सोच लूंगा, ये आसमान ही अगर गिर जाए तो मेरा कुछ बचेगा। ये अगर यही तदब्बर यही सोचता रहूंगा, मेरा रब है जिसने इसको रोक के रखा हुआ है और मुझे उससे अपने ताल्लुक को तोड़ना और काटना नहीं चाहिए। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, तू पाक है, हमको आग के अजाब से महफूज कर लेना। इन बातों पर गौर करके, इन मखलूक़ात पर तदब्बर करके, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तूने इनको बेकार पैदा नहीं किया, तू पाक है, हर ऐब से पाक, हर नक्स से पाक, बीवी से पाक, औलाद से पाक, नींद से पाक, ऊँग से पाक, तमाम कमालात से तू मुत्तसिफ है और हर किस्म के ऐब और नकस से तू पाक है। फ़क़िना अज़ाबन नार, हमको जहन्नम की आग से बचा ले। यही तदब्बर और यही तफक्कुर उसको फिर इस मरहले पे पहुँचा देता है। वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह हमको आग से बचा लेना, आग से बचा लेना। फिर वो अपने मालिक के सामने हाथ उठा लेता है, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अपने मालिक की तरफ तवज्जो करता है, अपने रब की तरफ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करता है। रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैतहु, ए हमारे रब, जिसको तू आग में दाखिल करेगा उसको तो रुस्वा कर देगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जुल्म करने वालों का कोई मददगार नहीं होगा, जुल्म करने वालों का कोई मददगार नहीं होगा। इस जुल्म से मुराद सिर्फ ये जुल्म नहीं है कि आप किसी इंसान के पैसे खा जाए और किसी पर ज्यादती कर ले, इसमें अपने आप पे जुल्म, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ता हूं, उसके फरमुदात को तोड़ता हूं, उसके वाजबात को मरोड़ता हूं, उसकी तरफ से आयत करदा पाबंदियों को पामाल करता हूं, उसकी तरफ से लगी हुई ड्यूटी को छोड़ता हूं, तो मैं जुल्म अपने आप पे कर रहा हूं। ये अपने आप पे जुल्म है। अल्लाह के हुक्मों को पसे पुख डालता हूं, रब के हुक्मों को बुला के बैठा हूं, तो अपने आप पे जुल्म कर रहा हूं। अल्लाह के हकूक़ के हवाले से भी जालिम हूं, अपने आप पे जुल्म कर रहा हूं और बंदों के हकूक़ को बर्बाद करता और ज़ाय करता और मिलिया मेट करता और खाता हूं, तो फिर मैं लोगों के ऊपर भी जुल्म कर रहा हूं। वो भी मेरी जान के ऊपर भी जुल्म है, वो भी मेरी जान के ऊपर जुल्म है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। रब्बना इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, ए हमारे रब, हमने एक आवाज़ देने वाले को सुना जो ईमान की सदा लगा रहा था। अन आमिनु बिरब्बिकुम, कि तुम अपने रब पे ईमान ले आओ। फ़आमन्ना, हम ईमान ले आए, हमने आवाज़ पे लब्बैक कहा, हमने उस आवाज़ देने वाले की आवाज़ पे लब्बैक कहा, हमने ईमान लिया, हम ईमान ले आए। रब्बना फ़ग़्फ़िर लना ज़ुनूबना वक़फ़िर अन्ना सय्यातिना, ए हमारे रब, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारी गलतियों का कफ़ारा बना दे। व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमको नेक लोगों के साथ फौत कर देना, मौत देना तो नेक लोगों का साथ नसीब कर देना। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिक, अल्लाह जो अपने रसूलों की ज़बानी तूने वादा किया उसको पूरा करना। वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामा इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मियाद, और क़ियामत के दिन हमको रुसवा न कर देना। ये इतराफ़ जब मुझे अपने गुनाहों का एहसास तब होगा जब मैं अल्लाह के सामने खड़े होऊंगा, फिर उस वक़्त कहूँगा काश मैंने अपने, या लैतनी, हाय अफसोस, मैंने कुछ नेकी की होती, मैंने कुछ अमाल किए होते, मैंने कुछ आगे भेजा होता। लेकिन आज हालांकि मालिकुल मुल्क अभी मुझे इन मखलूक़ात को देख के अपनी ज़िंदगियों को संभाला देने की अल्लाह दावत देते हैं। तीसरा मकाम अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत फुरक़ान में, तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाए बुरुजा, बबरकत ज़ात अल्लाह ताला की जिसने आसमान में बुर्ज बनाए हैं। या तो कहते हैं ये सितारों की जो चलने के मदार है, इससे बुर्ज मुराद हैं या सितारे जो बड़े बड़े सैयारे मौजूद हैं वो मुराद हैं। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाए बुरुजा, जिसने आसमान में बुर्ज बनाए, व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा, और वो अल्लाह बड़ा बाबरकत है जिसने ये सूरज बनाया और चमकता हुआ चाँद बनाया है। वह हुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार, और वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने रात और दिन को बनाया खिलफ़तन, एक दूसरे के पीछे आने वाली। रात जाती है तो दिन आ जाता है और दिन जाता है तो रात आ जाती है। रोज़ाना देखते हैं हमको 40 साल, 42 साल, 45 साल, 50 60 70 साल बीत गए, हम इस तब्दीली को देखते हैं लेकिन कभी इस तब्दीली पे गौर नहीं करते। रात का अंधेरा, जब अंधेरे में मुशक्क़त होती है, उठना मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है, पकाना मुश्किल होता है, खाना मुश्किल होता है, काम मुश्किल होता है, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि जिस मालिक ने इस अंधेरे के बाद रोशनी अता की है, इस अंधेरे के अंदर भी उसने हमारे साथ फ़ायदा किया है। अगरचे मुश्किलें नहीं है इसमें, जो जिस्म को ज़रूरत थी, नींद की ज़रूरत थी, आराम की ज़रूरत थी, इसको चार्ज करने की ज़रूरत थी, 8 घंटे के बाद ये सारा दिन का थका हुआ 12 घंटे 16 घंटे इसने काम किया है, 8 घंटे अपनी नींद लेता है तो अगले दिन बिल्कुल चार्ज हो जाता है और फिर अपने काम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ा होता है। जिसने रात और दिन को बनाया खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकुरा, ये भी एक वजह है दिन और रात को आगे पीछे बनाने की। बड़ी तरतीब से चल रहा है, कभी दिन लेट हुआ अपनी ड्यूटी पे, अपनी बारी पे नहीं, ना रात कभी लेट हुई, ना दिन कभी लेट हुआ, और कभी एक दूसरे के ज़िम्मे लगा के भी नहीं गए भाई आज मैं थकी हुई है तो तू मेरी बारी पूरी कर ले। कैसा मालिकुल मुल्क है। रात ने कभी दिन के हवाले अपनी जिम्मेदारी पूरी की हो भी आज चलो मैं नहीं आ सकती, लिहाजा आज तू ही 24 घंटे पूरे कर ले। कितनी देर से ये सिलसिला चल रहा है, कौन है चलाने वाला? ये मेरा आपका रब है। हमने रात और दिन को बनाया जो एक दूसरे के पीछे आते हैं, लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकुरा, किसके लिए? ये तब्दीली किस लिए? दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये क्यों? उस बंदे के लिए जो नसीहत हासिल करना चाहता है। दिन की थकावट के बाद रात का अंधेरा और उसमें आराम लेके भी नसीहत हासिल करता है, और रात की नींद, रात के अंधेरे छटने के बाद, रात गुजरने के बाद सुबह जब रोशन सुबह होती है तो फिर भी नसीहत हासिल करता है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने काम के लिए दिन अता किया है, आराम के लिए रात अता की है। लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकुरा, नसीहत हासिल करता है। इन दिन और रात की इस डेली तब्दीली से वो नसीहत हासिल करता है, गौर करता है इस तब्दीली के ऊपर। ये तब्दीली उसको अपने अल्लाह के करीब करने का सबब बनती है। अल्लाह की नेमतों के बारे में, अल्लाह की अता करता है इस नेमत पे, रात की इस तारीकी, कहते हैं रात को भी, रात की नींद बड़ी आरामदेह नींद होती है। अगर दिन को बंदा 12 घंटे भी सोया रहे तो रात के 3-4 घंटे काफ़ी होते हैं। वो 12-13 घंटे में आदमी का वो काम पूरा नहीं होता जो रात 3-4 घंटों में पूरा कर देती। कहते रात के अंधेरे में, पढ़ा मैंने, कहते रात के अंधेरे में दिमाग एक मवाद छोड़ता है, अंधेरे में छोड़ता है जो नींद को पुरसकून करता है, और अंधेरे में छोड़ता है। इसलिए आप देखें अगर बल्ब जलता रहे तो बासकत नींद पुरसकून, जब अंधेरा छाता है और मुकम्मल अंधेरा होता है दिमाग एक मवाद छोड़ता है और उस मवाद से नींद पुरसकून बनती है। हमने ये तब्दीली लाई, अल्लाह कहते हैं मैंने ये तब्दीली लाई है। कौन इससे नसीहत हासिल करता है और कौन शुक्रिया अदा करता है? वह भी शुक्र तदूम नियम, और इस शुक्रिया से नेमतें बाकी रहती हैं। जो कौम नेमतों पर शुक्र गुजार नहीं रहता अल्लाह अपनी नेमतें छीन भी लेते हैं, नेमतें वापस भी ले लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं सूरत यूनुस में, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया, वो अल्लाह जिसने सूरज को ज़िया बनाया है, पीछे कहा सिराज बनाया है और यहाँ कहा ज़िया बनाया है। वलकमरा नूरा और चाँद को नूर बनाया है। ज़िया उस रोशनी को कहते हैं जिसमें गर्मी होती है और नूर उस रोशनी को कहते हैं जिसमें गर्मी नहीं होती। ज़िया उस रोशनी को कहते हैं जिसमें गर्मी की मिलावट होती है। सूरज में रोशनी भी है और गर्मी भी है, चांद में रोशनी है लेकिन गर्मी नहीं। इतनी दूरी भी है ना, चांद इतनी दूरी भी है लेकिन समंदर का जो मद्दो जजर है ना, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? चांद के साथ जुड़ा हुआ है। नबी करीम ने मना किया है कि आप बल्कि आपके जिस्म के अंदर जो खून चलता है ये भी चांद के साथ जुड़ा हुआ है। रसूल करीम ने चांद के इन तारीखों में जब 13, 14 और 15 फुल जौबन पे चांद होता है, उन तारीखों में सींगी लगवाने से मना किया है। खून का प्रेशर बंदे में ज़्यादा होता है जब चांद बढ़ता जाता है। तो समंदर का मद्दोजदर भी ये चांद के साथ जुड़ा हुआ है, इतनी दूरी पे है लेकिन इसके ये फलों की मिठास भी ये चांद के साथ जुड़ी हुई है, फलों का पकना भी सूरज के साथ जुड़ा हुआ है। कभी आपने देखा है बागात में बाग के उस तरफ जिधर से सूरज तुलू होता है या सूरज की गर्मी ज़्यादा लगती है, आम का दरख्त खास तौर पे देखने में आया है कि जिसको मुसलसल धूप लगती रहती है, आम का वो हिस्सा जल्दी पक जाता है बजाय उस तरफ के हिस्से के जिसको मुसलसल सूरज की धूप नहीं लगती। सूरज में गर्मी भी है, रोशनी भी है, चांद में रोशनी है लेकिन गर्मी नहीं। हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़िया, अल्लाह वो ज़ात है जिसने सूरज को रोशन बनाया और गर्म रोशन। वलकमर नूरा, और चांद को रोशन बनाया। वक़द्दरहु मनाज़िला, और उसकी मंजिलें मुक़द्दर की। लिताअलमू अदद अस्सिनीन, ताकि तुम सालों की गिनती को जान लो। मंजिलें मुक़र्रर, और रोज़ाना अपनी मंजिल पे आता है, बढ़ता भी है घटता भी। आप उससे दिनों का हिसाब लगाते हैं, सालों का हिसाब लगाते हैं, चांद के ज़रिए आप अपने सालों का हिसाब लगाते हैं ताकि तुम सालों की गिनती को जान लो और हिसाब को जान लो। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ने हक़ के साथ पैदा किया है, इनका पैदा करना बरहक़ है। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यालमून, वो आयतें खोल के बयान करता है ऐसी कौम के लिए जो इल्म रखती है, इल्म रखती है। इन्न फी खल्क़िस इन्न फी इख्तिलाफ़िल लैल वन्नहार, बेशक दिन और रात के आने जाने में। वमा खलक़ल्लाहु फ़िस्समावाति वल अर्ज़, और जो भी अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों में पैदा किया है। दिन और रात की तब्दीली को तो अल्लाह ने बार बार जिक्र किया है ना, दिन और रात के आने जाने में, दिन और रात के इख्तलाफ में, दिन और रात के बदलने में, कभी रात अंधेरी और कभी रात रोशन, कभी रात लंबी और कभी रात छोटी, कभी रात ठंडी और कभी रात गर्म, कभी रात छोटी और दिन बड़ा और कभी दिन बड़ा और रात छोटी, कभी दिन छोटा और रात बड़ी। यह है इख्तिलाफुल लैल वन नहार। कुछ रातों में सर्दियों के फल अलग और गर्मियों के फल अलग, कुछ सर्दियों में पैदा नहीं होते, कुछ गर्मियों में पैदा नहीं होते, कुछ धूप में पैदा नहीं होते, कुछ साए में पैदा नहीं होते। ये दिनों रात की ये साल के चार मौसम और ये मौसमी तब्दीली है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द। हमारे यहाँ जो लोग घरों में खजूरों को पकाते हैं ना, घरों में खजूरों को, जिनके यहाँ 1-2 खजूरें हों तो वो खजूर को उतारने के बाद उसको गर्म माहौल देते हैं, उसको ऊपर से कपास में या किसी ऐसी चीज़ में उसको लपेट के रखते हैं, उसको दाबते हैं और दाबने के बाद फिर खजूर जाके पकती। लेकिन यहाँ देखें अल्लाह मौसम ही ऐसा पैदा कर देता है कि वहीं ऊपर खड़े गुच्छों को अल्लाह ताला वो माहौल इतना गर्म होता है कि वहीं ऊपर खजूर के ऊपर उसको इतनी गर्मी लगती है कि वहीं पक जाती है। और अल्लाह की कुदरत देखें कि इन इलाकों में, मुझे भी 7-8 साल होने वाले हैं, कभी जब खजूर पकी होती है तो कभी बारिश। ये तब्दीली है। अल्लाह कहते हैं वमा इन्नफ़ी इख्तिलाफ़िल लैल वल नहार, बेशक दिन और रात के आने जाने में। वमा खलक़ल्लाहु फ़िस्समावाति वल अर्ज़, और जो अल्लाह ने पैदा किया है आसमानों में और ज़मीन में। लआयातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून, अलबत्ता निशानी है ऐसी कौम के लिए जो डरने वाली है, जो तकवा रखती है, जो खौफ रखती है, जिनके दिल में डर है। जो डरने वाले वो इन बातों पे गौर करते हैं, जिसको डर नहीं उसको गौर करने फुर्सत ही नहीं। लेकिन जो डरता है, जिसके अंदर अल्लाह का डर है, जो अल्लाह की इन कुदरती निशानियों पे गौर व फिक्र और तदब्बर करता है, यकीनन वो अल्लाह से डरने वाला है। इतना बड़ा आसमान अल्लाह के ताबे है और मैं कुछ भी नहीं हूँ और अल्लाह के हुक्म अदुली कर रहा हूँ। इतना बड़ा सूरज अल्लाह के ताबे है और मैं कुछ भी नहीं और अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा हूँ। इतना बड़ा चांद अल्लाह के ताबे है और मेरी कोई हैसियत नहीं और मैं उसके हुक्मों को पामाल कर रहा हूँ। इतनी देर से अल्लाह की मखलूक़ात, इतनी बड़ी मखलूक़ात अल्लाह के सामने मुसखर है और ये बादल भी, ये हवा भी उसके हुक्म से चलती है, ये सूरज चाँद भी, ये रोशनी भी, ये अंधेरा भी मालिकुल मुल्क के हुक्म के ताबे है। और मैं इंसान जिसको अल्लाह ने अकल बख्शी है, मैं उसके ताबे, ये भी तो गौर है ना। कभी आज तक सूरज ने अपने रब की मुखालफत की? चाँद ने की, हवा ने की, पानी ने की, दरख्तों ने की, सूरज ने की, आसमान ने की, ज़मीन ने की। हर चीज़ उसके हुक्म की ताबे है, हर चीज़ उसके हुक्म के सामने मुसख्खर है। लेकिन मैं अकल भी रखता हूँ और फिर भी उसके हुक्म अदूली करूँ। जो बंदा इस बात पे गौर कर लेगा उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, वो अपने रब को समझ जाएगा, उसको अपने रब की मार्फत नसीब होगी, उसको अल्लाह का प्यार नसीब होगा, उसको अल्लाह का कुर्ब नसीब होने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं सूरत मोमिनून में, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुमको कान और आँखें अता की हैं। कान और आँखें पूरे पूछे उस बाबा जी से। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे जहानिया में, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। उनके वालिद गिरामी भी हकीम थे और एक मारूफ हकीम के अजीज़ भी थे। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जहानिया वालों का नाम आपने सुना है, कंजुल मुजर्रबात के नाम से किताबें लिखी हिकमत के मौजूद। हकीम उस्मान साहब उनके अजीज़ थे। वो अपने वालिद गिरामी को जब कोई चीज़ बताना चाहते या उनसे पूछना चाहते हो ना, तो वर्के के ऊपर लिख के देते थे और वालिद साहब पढ़ लेते और पढ़ने के बाद फिर जवाब में बता देते अपने बेटे को। कई मरतबा मुझे 2-3 मरतबा उनके पास जाने का इत्तेफाक हुआ, तो कोई बात करनी होती तो वो वर्के पे लिख देते, वालिद गिरामी उसके पढ़ लेते और पढ़ने के बाद फिर वो अपना जवाब देते थे। अल्लाह की इस नेमत से मारूम थे। कौन है देने वाला? मैं तो इससे 24 घंटे सुनता हूं, लेकिन जो समात बख्शने वाला है कभी उसके बारे में गौर नहीं करता। इससे इसी कान में मैं अजान भी सुनता हूं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अल फलाह, आ फलाह की तरफ, आ कामयाबी की तरफ, आ नमाज की तरफ। मैं सुनता हूँ लेकिन उठ के जाने को तैयार। ये सुनने की ये सलाहियत किसने दी? अल्लाह। इसी आवाज़ से 10 मिनट पहले मैं अपने काम के लिए इसी कान को इस्तेमाल करता हूँ। उसी मालिकुल मुल्क ने सुबह मैंने फजर वक़्त आवाज़ सुनी और फिर जोहर तक अल्लाह अकबर कबीरा 12-12:15 तक मैं इस कान को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इजार पे देता हूँ, दूसरे बंदे के सुपुर्द करता हूँ। काम इसी से होता है ना भी, सुनेंगे तो कुछ करेंगे ना जी। अगर आप सुनते नहीं है तो काम पे रखेगा कोई आपको? अगर आप देखते नहीं तो काम पे रखेगा आपको कोई? फजर वक़्त भी इसी कान में। अब वो जो देने वाला है, इसी बात पे अगर गौर कर लूँ कि जिसने मुझे समात दे के रखी है कहीं मुझसे ये समात छीन ना ले। जिसने मुझे बोलने की सलाहियत बख्शी है, अपनी ज़बान को 12 घंटे चलाता हूँ, चीज़ें लेने में, देने में, बेचने में, ख़रीदने में, टेलीफोन पे इधर उधर बातें करता हूँ। अगर वो इसी को गूंगा कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? हुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस-समा वल-अबसार, अल्लाह वो है। खुश नसीब है आप क्या आप अल्लाह को मानने वाले हैं। आपको तो ज़्यादा गौर करना चाहिए ना। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए समात और बसारत पैदा की है। माँ के पेट में अंधेरे और तारीकी में आंखों को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। कभी निकाल के चेक किया जी? अंधेरे के अंदर भी उसका इल्म इतना मुहीत है कि उसने अंधेरे के अंदर आंख का फंक्शन तो चेक की रोशनी में होगा ना भाई। अंधेरे में आंख चेक हो सकती है, लेकिन उसने इतनी मखलूक की आंखों को बनाया, लेकिन कभी उसने उसका इल्म इतना मुहीत है कि ये अंधेरे के अंदर भी ठीक बनी है। वो बड़ा मेहरबान है। हम इन बातों पे गौर नहीं करते मेरे अजीजों, हम गौर नहीं करते इन बातों पे। अल्लाह मुझे और आपको दावत देते हैं, वल्लज़ी अंशअ लकुमुस समा वल अबसार, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आपको समात और बसारत अता की है, देखने और सुनने की कुव्वत नसीब की है। मैं दिन में 24 घंटे समात और बसारत को अपने काम के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इस कान से कभी कुरान सुनने की ज़हमत ही नहीं। 24 घंटे गुजर जाए, आप उसमें से 18 घंटे इसको अपने काम पे लगाएं, अल्लाह अकबर कबीरा, 16 घंटे अपने काम पे लगाएं, 8 घंटे इसको चलो सोने में गुजार दें, और आप कभी उस 16 घंटे में 15 मिनट भी आप इस कान से कुरान न सुन सके तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है। 1 घंटा भी 15 मिनट भी मेरे पास अगर ना मिले कि मैं अपने इस कान में क्या सुनूं, अल्लाह का कलाम सुन लो। आंख अल्लाह ने दी है, डेली काम करता हूँ, राब्ते करता हूँ, देखता हूँ, मार्केट देखता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, काम देखता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, नौकरी करता हूँ, लेकिन कभी इस आंख से कुरान के अल्फाज भी गुजारने की ज़हमत की है। जिस तरह डेली इस आंख को दुनिया के कारोबार के लिए, दुनिया के माल के लिए, तिजारत के लिए इस्तेमाल करता हूं, क्या उस 24 घंटे के माहौल में जिस पाबंदी के साथ इन आंखों को 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे मैं काम पे लगाता हूं, अपनी ज़ाती मनफत के लिए कि मुझे उसके लिए 100 200 150, हर बंदे की रेट मुख्तलिफ है ना, कीमत मुख्तलिफ है ना, पढ़ा लिखा तो कीमत ज़्यादा है, अनपढ़ तो कीमत थोड़ी। क्या डेली उसी तरतीब के साथ मैंने इसको वो हकीकी खुराक भी मुहैया की है जिससे इसकी रोशनी बढ़ती है, जो क़यामत के दिन मेरे नेकियों के तराजू को वज़नी करने का सबब बनने वाली है, जो क़यामत के मरहले में जब ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, जब कुछ काम नहीं आएगा, तब आपने अगर इस आंखों से कुरान देख के पढ़ा होगा तो वो आपके नेकियों के तराजू को वज़नी करेगा कि नहीं करेगा। और भाइयों, जब तक ये आंख देखती है कर लीजिए मेहनत, एक वक्त आएगा जब आप कुरान देख के पढ़ना चाहेंगे। एक उम्र का ऐसा मरना भी आएगा जब आंख जवाब दे जाएगी, आंख देखना छोड़ देगी, फिर आप हसरत करेंगे, काश कि ये आंख देखती होती तो मैं भी कुरान के सफ़ात देख लेता, काश कि ये कान सुनते होते तो मैं भी कुरान सुन लेता, मैं भी अल्लाह का कलाम सुन लेता। उस वक़्त से पहले मुझे इन अल्लाह के, और काश ये ज़बान बोलती होती। गूंगे से पूछिए कि बोलना कितनी बड़ी नेमत है, बहरे से पूछिए कि सुनना कितनी बड़ी नेमत है, अंधे से पूछिए कि देखना कितनी बड़ी नेमत है। हुवल्लज़ी जअल शम्स हुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समा वल अबसार, अल्लाह वो ज़ात है जिसने आपको सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँखें अता की। बड़ा हकीम है, बड़ा हकीम और बड़ा दाना है। आँख को ऐसी जगह पे लगाया है, अगर इंसान गिर भी जाए ना, जैसे भी गिरे कभी उसकी आँख ज़मीन पे लगती नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, जैसे भी गिरे। हाँ, अगर कोई सुई और नोकदार चीज़ अगर उसमें चुभ गई अलग बात है, लेकिन आपका चेहरा लगा है, अल्लाह ने इसको 3 हड्डियों के दरमियान, ये 3 हड्डियाँ रुकावट, एक ये और ये लगा के देखिए आप, डायरेक्ट आंख जमीन पे नहीं लगेगी। अंधेरे में बनाई है, रोशनी में काम करती। 1 भी नहीं दी 2 दी है, 1 कभी ज़ाया हो जाए तो दूसरी साथ स्टैंड बाई है। 2 है ना जी, सुभान अल्लाह। ये पर्दा जो आप हिलाते हैं ना, अगर ये हमें रोजाना ऐसे उठाना पड़ता जी, बहुत मुश्किल। देख इसी को उठा के देख के चलना पड़ता ना ऐसे। सुभान अल्लाह, बड़ा मेहरबान अल्लाह है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने आपको आंख और कान। आंख का पानी नमकीन है, कान का पानी कड़वा है, अगर कोई चीज मूजी जाती है तो पानी इतना कड़वा होता है कि मर जाती है उसी में। और नमकीन जगह पे गोश्त खराब। कुर्बानी के मौके पर खलन और नमक लाते भी नहीं लाते तो बोला मार जान। समंदर का पानी क्या होता है? खारा नमकीन होता है। क्यों होता है? उसमें गोश्त होता है और पानी नमकीन ना होता तो गोश्त की बदबू इतनी होती कि आपका जीना ही। आंख का पानी नमकीन है। आपने तो अपनी गाड़ी के शीशे पे वेपर लगाया होता है ना, और अगर वेपर बगैर पानी के चलाएं तो वेपर खराब होगा या शीशा खराब होगा। मालिकुल मुल्क ने इसके ऊपर वेपर लगाया हुआ है और साथ पानी का बंदोबस्त भी किया हुआ है। हर एक दो सेकंड के बाद फौरन वेपर ऊपर घूम जाता है और शीशा बिल्कुल क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। वो बड़ा पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको हिलाने वाला, वल्लाह इसको अगर हिलाना हमें पकड़ के रखना पड़ता फिर एहसास होता। वो खुद ब खुद हिलती है, वो वेपर चल जाता है। भाई गुबार जमा नहीं होती। आप देख ले किसी जगह पे, आप देखें गुबार नहीं आएगी, आपकी आँख के ऊपर गुबार नहीं आती होगी, लेकिन उस गुबार को पानी के साथ ऊपर वेपर ऐसा लगा दिया है कि खुद ब खुद वो ऑटोमेटिक है। उसके ऊपर बाल लगे हुए हैं कि नहीं? बालों का रुख ऊपर है या नीचे? ऊपर वालों का ऊपर और नीचे वालों का नीचे। अगर वो रुख नीचे होता तो रोजाना आंख के अंदर बाल अटका हुआ होता, रोजाना अटका होता, लेकिन बालों का रुख ऊपर है और वो बाल भी सख्त बाल है, इतना नरम भी नहीं और सख्त भी नहीं है। वो इसलिए लगाया अगर कोई तिनका कोई चीज उड़ती हुई आए भी सही तो फौरन उन बालों के अंदर फंस जाए ताकि अंदर न चली जाए। वो बड़ा अलीम है वल्लाह। ये सिफतें अल्लाह ताला की कि वो अलीम है, वो हकीम है। कभी पढ़ा करें उसके इल्म को और उसकी हिकमत को कि उसके हर काम में कितनी हिकमत है, आँख बनाने में कितनी हिकमत है। और आँख के ऊपर जो सुभान अल्लाह उसने अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाए हैं, इसी एक आँख के ऊपर भी बंदा गौर करना शुरू कर दे तो बंदे के लिए काफ़ी है, बाकी कुछ चीज़ ना देखे। ये धड़कता हुआ दिल है, ये आपके गुर्दे हैं, ये दिल कितना खून पंप करता है, कितने गैलन ये रोज़ाना डेली खून पंप करता है। अगर इसी दिल को आप किसी तालाब के ऊपर फिट करें ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसने कितने लीटर पानी निकाल के बाहर फेंका है जो आपकी मशीनरी में से रोज़ाना सर्कुलेट करता है। अल्लाहु अकबर कबीर। हुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समा वल अबसार। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए कान और आँखें बनाए। सुभान अल्लाह। वल अफिदा और दिल भी किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। ये धड़कता हुआ दिल, ये पंप करता दिल, बड़ी कुदरत के करिश्मे। दिल के अंदर वाल जिसको आगे खून को बाहर धकेलते लेकिन वापस आने देते नहीं। दिल को प्रेशर करने के लिए फेफड़ों को हिलाने के लिए ऑक्सीजन, हवा, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए दरख्तों को बढ़ाने के लिए सूरज। हर चीज तरतीब से चल रही है ना, ये अल्लाह है। सूरज की गर्मी बड़ी तरतीब के साथ सुबह उसको तुलू करता है, और अगर सुबह अगर 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 सूरज निकलते ही 12 बजे की गर्मी शुरू हो जाती है तो बर्दाश्त कर सकते हैं आप लोग? हम तो अगर अंधेरे से अगर सूरज की रोशनी के सामने अगर सोया हुआ उठा हो तो आंखें खोल ही नहीं सकते ना। अगर उठते ही 12 बजे होते हैं तो हालात हमारा जिस्म बर्दाश्त करता। थोड़ा सा मौसम तब्दील होता कहते सरद गर्म हो गया जी, ठंडे पानी जो गर्म में बढ़ गया तो गर्म जो ठंडे में बढ़ गया, इसको सरद गर्म हो गया। लेकिन वो मालिकुल मुल्क किस तरतीब के साथ सूरज को थोड़ा सा निकालता है, फिर रोशनी करता है, ऐसा ऐसा रोशनी बढ़ती जाती है, फिर गर्मी बढ़ती जाती है, फिर यकदम अपना बल्ब बंद भी नहीं कर लेता, फिर उसकी गर्मी को भी रिड्यूस करता, कम करता, घटाता और उसकी रोशनी को भी कम करता है। फिर रात शुरू होती है, रात का अंधेरा भी यकदम नहीं आता, बिल्कुल यकदम ऐसे कोई बटन नहीं लगा हुआ कि फौरन ऐसे रात शप होकर रात आ जाए। कौन है ये? अल्लाह है। ये दिन और रात का आना जाना, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों। हम डेली इन नेमतों को रोज़ाना देखते हैं। खिलफतन लिमन अरादा यज़्ज़करा व अरादा शुकुरा, जो नसीहत हासिल करना चाहता है वो रात और दिन की तब्दीलियाँ देखता रहिए। सूरज की गर्मी, सूरज से दरख्त, दरख्तों से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इंसान। थोड़ा सा आप माहौल ऊपर वाले माहौल में चल जाए जी, साफ बंद हो गए। चांद पे जाता है ऑक्सीजन साथ लेके जाता है कि नहीं लेके? ऑक्सीजन बंद होगी जी, बंदे मर गए सारे। ऑक्सीजन पैदा करने वाला किस तरतीब के साथ सारी मखलूक़ात उसके हुक्म के ताबे, हर चीज़ उसके हुक्म के डेली के हिसाब से। आप रोज़ाना कितना ऑक्सीजन खाते हैं आप पता है? डेली कितना खाते हैं? हम तो जो पकाने वाली लेके आते हैं ना, जो गैस लेके आते हैं, वो 15 साढ़े 15 रुपए का सैंडल खरीदते हैं, जिसको अब 3 टाइम, उसको भी लोगों ने ताला लगा के रखा होता है कि दूसरा बंदा नहीं इस्तेमाल कर लेगा। बास जगहों पे ताले भी लगे हुए सिलेंडरों। डेली 3 सिलेंडर इस्तेमाल करते हो भाईजान, मैं और आप इस्तेमाल करते हैं 3 सिलेंडर गैस। वो भी भरवाने के लिए किसी जगह पे जाना नहीं पड़ता। उस मालिकुल मुल्क ने इस फिदा में खुली छोड़ी हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई कब्जा भी नहीं कर सकता कि चलो मैं काबू कर लेता हूं और बाद में बल्कि इसको बेचूंगा। कौन है देने वाला? ये अल्लाह है। सुबह का माहौल, जब गर्मी के दिनों में आप सुबह सुबह जब ठंडी हवा आपको लगती है, कितना माहौल अच्छा लगता है। सांस बंदा लेता है, अंदर का माहौल सारा एक मतलब इंसान अंदर तक तब्दीली महसूस करता है उस ठंडी हवा को, जिसको बादे नसीम आप कहते हैं। ये मौसमी तब्दीलियाँ ये मुझे और आपको अपने परवरदिगार के ऊपर गौर करने की दावत देती हैं। वहुवल्लज़ी ज़राकुम फ़िल अर्ज़ व इलैहि तुशरून, वही अल्लाह है जिसने तुमको ज़मीन में फैलाया है। कौन है फैलाने वाला? अल्लाह है। और उसी की तरफ तुम लौटाए, इकट्ठे किए जाओगे, जमा किए जाओगे। हशर का मैदान जमा करने का मैदान है, उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। इन नेमतों को इस्तेमाल, कानों को साथ अल्लाह ने कानों का जिक्र किया और आँख का जिक्र किया, और साथ कहा कि मैं ही तुमको फैलाने वाला हूँ, पैदा करने वाला मैं ही हूँ। लेकिन याद रखना कि ये दुनिया हमेशा रहने की और दिल लगाने की जगह नहीं है। एक दिन तुम आओगे हमारी तरफ भी, हमारी तुम्हारी मुलाकात भी, ये भी मुलाकात भी याद रखना। हमारी दी हुई आँखों से देखता रहना और दिए कानों से सुनता रहना, दी ज़बान से बोलता रहना, इससे अपने कारोबार के मौके ढूंढता रहना। लेकिन एक दिन तूने हमारी मुलाकात के लिए हमारे पास आना है, ये भी याद रखना। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, डर जाओ उस दिन से जब तुम अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे। उस दिन से डर जाओ जब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीत, अल्लाह ही वो ज़ात है जो जिंदा करता और मारता है। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं, ये ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं। वमा जअलना लिबशर मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, हमने किसी बशर के लिए दुनिया में हमेशा रहना बनाया ही। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर एक जिस दुनिया में आया है उसने फना होना है और उसने जाना है। हर एक के लिए खात्मा है। और वो कौन है ख़त्म करने वाला? वो है वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीत। ज़िंदगी भी वही अता करता है, औलाद भी वही अता करता है, बेटे भी वही अता करता है, बेटियाँ भी वही अता करता है। लोगों ने तुम्हें बेगाना कर रखा। कल एक क्लिप सुन रहा था एक मौलवी साहब का, पिंडी का है मौलवी, कहने का बंदा मर गया तो कब्र में गया और उससे पूछा मन रब्बो का, कहता है गौस पाक का धोबी हूँ। माँ दीनों का, कहता है गौस पाक का धोबी हूँ। मैं नबियों का, कहता है गौस पाक का धोबी हूँ। अल्लाह ऊपर से आर्डर, कहते हैं हुक्म हुआ। किसने हुक्म दिया? तेरा बाप सुन रहा था उस हुक्म को। कहते हुक्म हुआ छोड़ दो इसको। ये गौस-उस-सकलैन का गुलाम है, इसको इस निस्बत की वजह से छोड़ दो। कहते हैं गौस-उस-सकलैन का जो धोबी इस निस्बत की वजह से अगर छोड़ दिया जाता है तो कौन कहता है कि ये नेक बंदे नफ़ा नहीं देते और ये बंदे को फ़ायदा नहीं देते? कौन कहता है? अगर ये धोबी को नफ़ा मिल गया है और उसको छोड़ दिया गया है तो जो उसका ग़ुलाम है, उससे हकीकी मोहब्बत करने वाला और उससे प्यार करने वाला, उसके कितना दर्जा बुलंद होगा। इसी चीज़ ने आज लोगों को मरवा दिया है। लोग अपने रब से गाफिल हो चुके हैं। किसने इख्तियार दिया है? अल्लाह तो कहता है हमने किसी को इख्तियार दिया ही। कौन सुन रहा था? किस कुरान की वही है कोई ये बात, ये किस्सा, ये वाक़या? ऐसी बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठे वाक़यात ने लोगों को रब से बिगाना कर दिया। अल्लाह की कसम, लोग गौर करने पर तैयार ही नहीं अपने अल्लाह के बारे में। ये निस्बतें और ये ताल्लुक, इसको सवार करने के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए, उनकी रजाजोई के लिए माल भी खर्च, पैसा भी खर्च, जान भी खर्च, सब कुछ लोग खर्च करने के तैयार कि ये आगे से छुड़ा लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे और हमको साइड पर लेके चले जाएंगे। नबी करीम अपनी बेटी से कहते हैं फ़ातिमा अमली या फ़ातिमा, फ़ातिमा अमल कर ले, क़यामत के दिन में मोहम्मद तेरे काम। सही मुस्लिम की रिवायत है। माल में से जो लेना चाहती है ले ले, अपने ख़ानदान के लोगों को, बिरादरी के लोगों को, बनी हाशिम को, बनी अब्दुल मनाफ को, अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा को। माल लेना चाहती है ले ले, अमली या फ़ातिमा, फ़ातिमा अमल कर ले, इन्नी ला उगनी अन के शैया, मैं क़यामत के दिन तेरे काम। हम दुबियों के किस्सों के ऊपर अपने अल्लाह से बिगाने हुए पड़े हैं और गफलत, अपने अल्लाह के बारे में सोचने को तैयार ही कोई नहीं। इन्ना फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार, दिन और रात की ये तब्दीली। हाँ, अल्लाह कहते हैं हुवल्लज़ी युह्यी व युमीत। जिंदगी और मौत का इख्तियार किसके पास है? किसी और के पास इख्तियार है? माफ करने का इख्तियार किसी और के पास है? सुबह शाम आप ये पढ़ते हैं फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत, ये तौहीद रबूबियत है। अगर माफ़ी का इख्तियार किसी और को देते हैं तो आपकी तौहीद रबूबियत ही सही नहीं है। माफ़ करने वाला कौन है? तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला है ही नहीं, ना कोई नफ़ा देने वाला, ना अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिअ लिमा मनअत। अल्लाह जिसको तू रोक दे उसको कोई देने वाला नहीं और जिसको तू दे दे उसको कोई रोकने वाला। नबी करीम का अकीदा है। हम बैठे हुए हैं, ये सारे इख्तियार अल्लाह ताला ने इन कब्र वालों को दे दिए और उसी के ऊपर हम अल्लाह ताला से गाफिल। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वला इख्तिलाफुल लैल वन नहार, और दिन और रात की तब्दीली भी अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अफला ताक़िलून, तुम अक्ल क्यों नहीं करते हो? समझते क्यों नहीं हो? गौर क्यों नहीं करते हो? ये सूरत मोमिनून है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन आयात के ऊपर तदब्बर करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये चंद आयात मैंने तदब्बर के हवाले से और दिन और रात की ये तब्दीलियाँ आप अहबाब को सामने पेश की हैं। ये मौसम की तब्दीलियाँ और ये हालात का बदलना, ये सर्दी और गर्मी, ये बारिशों का उतरना, ये तब्दीली बताती है कि एक दिन एक बहुत बड़ी तब्दीली भी आएगी जो क़यामत की तब्दीली होगी। ये मौसम का बदलना बताता है कि एक बड़ा मौसम भी तब्दील होगा। इसी तरह जो सर्दी के अंदर हम बर्दाश्त करते हैं ना, सर्दी की शिद्दत में जो हम ठंडी बर्दाश्त करते हैं और आप ठंडे पानी से वुज़ू करते हैं और ठंडे पानी से आप गुसल करते और नहाते हैं, तो ये भी अजर का और सवाब का बायस बनने वाला है। नबी करीम फरमाते हैं कि वो अमल जिससे अल्लाह बंदे के गुनाह मिटा देते हैं और दर्जात को बुलंद करते हैं, उनमें से एक ये भी है कि आदमी पानी की ठंडक की वजह से अपने जिस्म के ऊपर तकलीफ़ बर्दाश्त करता है। अल्लाह ताला उस तकलीफ़ के बर्दाश्त करने की वजह से जिस्म के ऊपर, चमड़ी के ऊपर जो ठंडक उसको महसूस होती है, उसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं और उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। ये भी मौसमी तब्दीलियों में से। रात को जो आप उठ के फजर की नमाज पे सर्दी में गर्म बिस्तर छोड़ के आते हैं, ये भी अजर का बायस बनने वाली है। और ये भी अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर गौर और फ़िक्र करने की मुझे और आपको दावत देती है। आप जो गर्म कपड़े पहन के बैठे हुए हैं ना, ये भी मौसमी तब्दीलियों की वजह से है ना। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं खलक़स्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया हक़ के साथ। वो बुलंद है उस चीज़ से जो वो शिरक करते हैं। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन, इंसान को एक नुत्फ़े से पैदा किया, पानी की बूंद से पैदा किया। फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, वो वाज़े तौर पर झगड़ा पस वो नागहा वो वाज़े तौर पर झगड़ालू है। वल अनामा खलक़हा, और जानदारों को चौपाओं को उसने पैदा किया। लकुम फ़ीहा दिफ़उन व मनाफ़िउ व मिन्हु ताकुलून, उसमें तुम्हारे लिए गरमाओ है, हैवानों में तुम्हारे लिए क्या है गरमाओ। ये गरमाओ है ना, ऊन है ना, भेड़ की ऊन, ऊँट की ऊन, जैसे खैमे आप बनाते हैं ये ऊन आप इस्तेमाल करते हैं, गर्म कपड़े, गर्म कोट। ये गरमाओ कौन देने वाला? ये जानवर पैदा करने वाला अल्लाह है सुबहानल्लाह। जिसका तुम, जिसको गरमाओ के तौर पे भी इस्तेमाल करते हो, जिससे तुम बाकी नफ़े भी हासिल करते हो, बर्बरदारी के लिए भी इस्तेमाल करते हो और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हो, सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हो, खाने और गोश्त। वमिन्हा ताकुलून, उसमें से तुम खाते हो। सर्दी में क्या खाते हो गर्म करने के लिए? मछली नहीं, गर्मी भी हासिल करते हैं और खाते भी हैं ना। सर्दी में मछली वमिन्हु ताकुलून वलकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरीऊन वहीन तसराहून, और इसमें तुम्हारी खूबसूरती भी है, जमाल भी है तुम्हारा, जीनत तुम्हारे लिए। ये माल जीनत भी है ना। ये पूरी 50 भैंसों का एक काफिला जा रहा हो रोज़ाना आपके डेरे में, और रोज़ाना निकल रहा हो सुबह और शाम को आ रहा हो, तो पूछते नहीं ये किसका यार, ये किसके भैंस हैं, ये किसके ऊँट है, ये इतनी बकरियाँ किसकी हैं, ये ऊँट इतने किसके हैं। ये जमाल है, अल्लाह ने आपको माल दिया है और उस माल के साथ जमाल ये दिया है। सुबह शाम जब इतने जानवर निकलेंगे आपके बारे में और जाएंगे और आएंगे, तो सुबह शाम उसका आना और जाना भी अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमाल और ख़ूबसूरती के लिए बनाया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन आयतों से अपनी ज़ात के ऊपर तदब्बुर करने और उसके दिन और रात की इन तब्दीलियों को अपने लिए इबरत बनाने की और इससे शुक्रिया अदा करने की और नसीहत हासिल करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको मदद करने की।